बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दम का कीमा बनाएंगे। दम का कीमा बनाने के लिए ये चार बड़ी प्याज हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 1.5 किलो के करीब मेरा कीमा है। नमक हसबे ज़रूरत लिया जाएगा। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, सॉरी पाउडर है। हल्दी है 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर है। इसके अलावा इसका मसाला जो पीसेंगे ये कबाब चीनी है 5-6 दाने, दालचीनी का छोटा सा 2 टुकड़े ले लें, लौंग है 5-6, काली मिर्च है 1 चम्मच, ज़ीरा है, और ये जो है ये सौंठ का 1 छोटा टुकड़ा लिया है हमने, और ये साबुत लाल मिर्च है ये 10 से 12 अदद हैं, और ये पिपली है। पिपली का पाउडर हो तो पिपली का पाउडर डाल दें, वरना हम इसमें मसाले में ही पीसेंगे इसको। इसमें 4 बड़े टमाटर मैंने रफली कट कर लिए हैं, वो जाएंगे। अदरक है और हरी मिर्च ऊपर गार्निश के लिए, और 1/2 कप दही है, तकरीबन 1/2 पाव ही है, ये दही जाएगी इसमें। इससे पहले ये सारा ड्राई मसाला हम इसको पीस लेंगे, पाउडर की सूरत में ले आएंगे। सबसे पहले ये 1/2 कप ऑयल है, इसमें अब अपनी प्याज को हम ब्राउन, लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। ये हमारी प्याज अच्छी खासी थोड़ी बहुत ब्राउन हो गई है। अब हमने इसमें कीमा अपना ऐड कर देना है और इसको भी अच्छा सा भून लेना है। इसको बस अच्छा सा भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसमें जो गोश्त का पानी होता है अपना, वो हमने खुश करना है, इतना भून लेना। ये हमारा कीमा बिल्कुल भून गया है। अब हमने अपने जो ड्राई मसाले रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट भुनेंगे और फिर हम अपने टमाटर भी डाल देंगे। अब हमने हमारा ये मसाले भी भून गए हैं। अब हमने अपने जो टमाटर रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए कीमे को रख देंगे। बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कीमा हमारा इतना गल जाए, और बस इसको दम पे रख देंगे कीमा के गलने तक। अब हमारा कीमा अच्छा खासा गल गया है। अब हम इसमें अपनी दही शामिल कर देंगे ताकि दही का भी जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए, और जो बाकी कीमा गलना बाकी है वो भी गल जाए। हमारा कीमा बिल्कुल गल गया और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। बस हमने इसको भूनना है इतना कि इसमें तेल आ जाए। तो उसमें हमने ये अपना जो मसाला पीस के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये इसमें जब्स भी हो जाए मसाला, और ये भूनते हुए साथ साथ ऑयल आ जाएगा और ये जब्स भी हो जाएगा। एक कीमा हमारा भून गया है, देखिए ऑयल ऊपर आ गया। अब हमने इसमें कोयले का दम लगाना है। मैंने साथ साथ कोयले को निकाल लिया था जब हम अपना कीमा भून रहे थे उस वक्त, और बस हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। जी नाज़रीन, हमारी दम का कीमा बिल्कुल रेडी है। मैंने अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चों से इसकी गार्निश की है बस। और मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।